हे स्टूडेंट्स, बच्चों, कल हमने स्टोरी को जहाँ लीव किया था वहाँ हमने देखा था कि कैसे जो ज्यूस था वो चाहता था कि इंसानों को वो इमोर्टल बना दे, अमर बना दे, एंड फिर वो जो भी पाप करें और उसका फल भोगने के लिए वो जिंदगी भर परेशान रहे, ठीक है। एंड प्रोमीथियस ने बड़ी चालाकी से ये चीज़ हम इंसानों से वापस ले ली थी कि हमें हमारा फ्यूचर नहीं पता। मैंने आपको बच्चों समझाया भी था कि हमारे लिए कितनी अच्छी बात है कि हमें अपना फ्यूचर नहीं पता है, और उस अगर पता होता तो उससे कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती थी, ये भी मैंने आपको समझाया था। इसके आगे बच्चों देखते हैं कि क्या होता है स्टोरी में। बहुत इंटरेस्टिंग हमारी स्टोरी है। डिस्गाइजिंग हिमसेल्फ, ज्यूस श्रूडली वेंट अबाउट आस्किंग मैन हाउ दे गॉट गिफ्ट ऑफ फायर। इसके बाद बच्चों क्या होता है, ज्यूस जाता है धरती पर अपने आप को डिस्गाइज करके। डिस्गाइज का मतलब होता है अपना रूप बदल के, बहरूपिया बन के, समझ सकते हैं आप, ठीक है। तो वो जाता है एंड बोलता है, उनसे बोलता है कि उन्हें फायर किसने मिली, आपको फायर कैसे मिली, इंसानों से पूछता है, ठीक है। अब इंसानों को पता नहीं था, उनकी वो इग्नोरेंस में थे, उनको नहीं मालूम था कि ये ज्यूस है और ये किस मकसद से यहाँ आया है। तो वो बोल बता देते हैं अपने पैटर्न के बारे में। पैटर्न के बारे में, पैटर्न आप समझ सकते हो एक मसीहा जैसा जो सपोर्ट करता है, ठीक है। वो बता देते हैं कि हमारा मसीहा है प्रोमीथियस, उसने मुझे ये फायर दी, ठीक है। इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा के वो कहता है कि जो भी मैं इंफॉर्मेशन तुमसे चाहता हूँ, इंसानों से कहता है, जो भी मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ ये अगर तुमने मुझे बता दिया तो मैं तुम्हें क्या दूंगा, अ जार ऑफ नेक्टर, ड्रिंक ऑफ इमोर्टल्स विच विल कीप मैन यंग फॉर एवर टू। कहता है कि जो भी मैं तुमसे जानना चाहता हूँ अगर तुमने मुझे बता दिया, किससे कहता है, इंसानों से, तो मैं तुम्हें एक जार नेक्टर दूंगा। बच्चों नेक्टर क्या होता है, अभी हम लोग को पता है फ्लावर्स से जो रस निकलता है ना, जो बटरफ्लाइज लेती हैं अपने पैरों से एंड फिर उनका क्या बनाती है, हनी बनाती है, उसको नेक्टर हम लोग कहते हैं। लेकिन ग्रीक मैथोलॉजी में नेक्टर क्या है, जो भगवान ड्रिंक पीते हैं उसको नेक्टर कहा गया है, ठीक है, भगवान या अमर लोग। तो कहता है मैं तुम लोग को ये दूंगा एंड इससे आप अमृत समझ सकते हो उससे, ठीक है। दिस विल कीप मैन यंग फॉर एवर, ये हमेशा तुम्हें जवान रखेंगे। तो ऐसे वो उनको लालच देता है, ठीक है। फिर क्या होता है बच्चों, फिर ज्यूस जो होता है वो लग जाता है फर्स्ट वुमेन बनाने में, पहली औरत को बनाने में वो लग जाता है, एंड उसका नाम वो देता है पंडोरा। पंडोरा का मतलब होता है ऑल गिफ्टेड, जिस जिसके पास सारे गुण हो, सारे गिफ्ट्स हों उसके पास। ऑल द इमोर्टल्स बेस्टोड हर विद स्किल्स एंड एट्रीब्यूट्स। तो जितने भी अमर लोग थे उन्होंने उस पर अपनी सारी कृपा बरसाई, उसको सारी स्किल्स, स्किल्स आप समझते हो जो कुछ करने की क्षमताएं, जैसे नहीं आप लोगों ने देखा है कि कोई बच्चा अगर पैदा होता है तो सारे भगवान मिलके उसे कोई वर वगैरह देते हैं, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं, स्किल्स देते हैं, उसको कोई ना कोई गिफ्ट देते हैं। उसी प्रकार से जब इसने पहली विमेन बनाई तो सारे अमर लोगों ने उसको कुछ स्किल्स, कुछ एट्रीब्यूट्स यानी कुछ कैरेक्टर्स दिए। विटी हेफेस्टस शेप्ड हर फॉर्म आउट ऑफ क्ले, ब्यूटिफुल एफ्रोडाइट एडॉर्न्ड हर विद ब्यूटी। विटी, विटी मतलब समझदार, हेफेस्टस, हेफेस्टस ने उसके क्ले पे, जो क्ले था उस पे उसकी मूरत बनाई, ठीक है। और जो एफ्रोडाइट थी, ब्यूटीफुल एफ्रोडाइट, उसने क्या किया, उसने उसको सुंदर बनाया। जो हर्म्स था उसने उसको ट्रेन किया टू बी श्रूड एंड फियरलेस, उसे निर्भय बनाया, हिम्मत वाला बनाया। एथीना ने क्या किया, उस पे एक्सक्विजाइट, बहुत सुंदर, बहुत ज़्यादा अच्छे कपड़े पहनाए उसको। एंड फाइनली जब मिट्टी पे, क्ले पे उसकी मूरत बन गई है ना, ओ उसको ब्यूटी मिल गई, उसको कपड़े मिल गए, उसको निर्भय बना दिया गया, तो ज्यूस ने उसके अंदर जान फूंक दी, ठीक है। एंड हर्मिस एस्कॉर्टेड हर डाउन टू अर्थ, एंड हर्मिस उसे अर्थ पे ले गया। ही ब्रॉट हर टू प्रोमीथियस टैक्टलेस ब्रदर एपिमीथियस हु नाउ लिव्ड अ मैंस लाइफ। तो वो उसको ले जाके किसके पास ले गया, एपिमीथियस के पास ले गया, हर्मिस उस औरत को बना के एपिमीथियस के पास ले गया। एपिमीथियस के बारे में बच्चों हम पढ़ चुके हैं, वो कैसा था, वो
अपने भाई का जस्ट अपोजिट था, इतना दिमाग वाला नहीं था, शार्प नहीं था, टैक्टलेस था, केयरलेस था, है ना, जो अब धरती पे रह के इंसानों की जिंदगी जीता था। बच्चों इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे।